और उस कागज पर साइन करवाया गया ये कहकर कि इसके माध्यम से एक एम्बुलेंस ली जाएगी जिससे जनता की सेवा की जाएगी। लेकिन उसके बाद उस एम्बुलेंस का क्या किया गया डॉक्टर अलका राय को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मनोज राठी हमारे सहयोगी मोहाली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं, बाराबंकी से अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा, क्या अभी तक ये साफ हो पाया क्या कि मुख्तार अंसारी को एम्बुलेंस किसने मुहैया करवाई, कैसे वो जेल से उस एम्बुलेंस के माध्यम से कोर्ट तक पहुंचा? देखिए, कई सवाल इसमें अब खड़े हो रहे हैं कि मुख्तार अंसारी, क्योंकि सबसे पहले जब हमने मोहाली में जब पेशी पर लाए गए मुख्तार अंसारी तो वो यूपी नंबर एम्बुलेंस में आए थे, और सबसे पहले इस चीज़ का खुलासा जो है न्यूज 18 की टीम ने किया कि आखिर मुख्तार अंसारी यूपी नंबर एम्बुलेंस में क्यों आए हैं। वो पुलिस जो फोर्स थी, पंजाब पुलिस फोर्स थी, रोपड़ जेल से उनको लाया गया था, और उनको जो, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल समझने वाली बात है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। किसी भी जेल की, कोई भी जेल हो, किसी भी जिले की जेल हो, वहाँ पर अपनी एक एम्बुलेंस होती है। कोई भी अगर कैदी है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसकी सेहत खराब है, उसे चला नहीं जा रहा, तो उसी कंसर्न जेल की जो एम्बुलेंस है वो लेकर आती है पेशी में, और वही लेकर जाती है। लेकिन इस मामले में स्टार्टिंग में कंफ्यूजन थी कि आखिर मोहाली पेशी के बाद सीधा मुख्तार अंसारी को यूपी लिया जाएगा, क्योंकि यूपी की नंबर की ये एम्बुलेंस है। लेकिन बाद में ये पता चलता है, खुद ऑफिसर इस बात को मानते हैं कि वो यूपी नहीं जा रहे हैं, वो वापस रोपड़ जेल में जा रहे हैं, और वो रोपड़ जेल गए, हॉस्पिटल रोपड़ जाके वहां पर मेडिकल कराया गया। आपको बता दें कि एक बड़ी कंफ्यूजन वाली बात है कि आखिर इस तरह की चीज कैसे हो सकती है कि यूपी नंबर एम्बुलेंस पंजाब में उनको लेकर आ रही है, उनको लेकर जा रही है, इसका मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट है। लेकिन जैसे कि डॉक्टर से आपने बातचीत की तो कहीं ना कहीं नहीं, मनोज जी आप ये समझाइए, आखिर यानी आप यहां पर ये समझाइए कि रोपड़ जेल प्रशासन का क्या कहना है, क्या जेल का प्रोटोकॉल यही है क्या कि कोई भी एम्बुलेंस जेल के बाहर खड़ी रहेगी और जेल का जो प्रशासन है वो ले जाकर उस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को बिठा देगा, ऐसे होता है क्या? देखिए, बहुत बड़ी इसमें कंफ्यूजन थी, और अब कोई भी पुलिस ऑफिसर इस बात पर कोई भी बात करना नहीं चाहता कि आखिर जो एम्बुलेंस है, यूपी नंबर एम्बुलेंस है, वो मुख्तार अंसारी जो कि खुद रोपड़ जेल में बंद है, उसको एम्बुलेंस को क्यों लेकर आ रही है, यूपी नंबर एम्बुलेंस वहां खड़ी है, उसको लेकर आती है, उसको लेकर जाती है, उसका मेडिकल होता है, आखिर पुलिस की जो एम्बुलेंस है वो यूज की क्यों नहीं हो रही, ये बहुत बड़े सवाल है। क्योंकि लगातार हमने कल भी कोशिश की पुलिस ऑफिसर से जानने की कि आखिर यूपी नंबर एम्बुलेंस में क्यों लाया गया, क्यों ले जाया गया, यहां पर पेशी के दौरान लाया गया, तो ऑफिसर दबी जुबान पर ये कहते नजर आ रहे थे कि इनको यूपी शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन बाद में ये कंफर्म होता है कि उनको यूपी शिफ्ट नहीं किया गया, उनको वापस रोपड़ जेल भेजा गया। और कई चीजें आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि 7 जनवरी 2019 को एक मोहाली जिले के जो बड़े बिल्डर हैं उनको एक्सटॉर्शन के लिए कॉल किया गया था, 10 करोड़ की उनसे फिरौती की मांग की गई थी, जिसके बाद उन पर उनको प्रोडक्शन वारंट पे लाया गया था, और उसके बाद से ही रोपड़ जेल में मुख्तार अंसारी जो है वो बंद है। लेकिन कल सबसे बड़ा खुलासा यहां पर तब हुआ कि यूपी नंबर एम्बुलेंस यहां पर आती है और उनको लेकर जाती है, उनको पेशी के दौरान वापस रोपड़ लेके जाती है, और अब दर पदर जो खुलासे न्यूज 18 टीम कर रही है कि किस हॉस्पिटल में वो रजिस्टर्ड है। राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है। डॉक्टर अलका राय कह रहे हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके नाम पर कोई एम्बुलेंस ली गई है, और उनका हॉस्पिटल तो मऊ में है, बाराबंकी से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। डॉक्टर अलका राय ये कह रही हैं कि उनको मालूम नहीं है, ये प्रथम दृष्टया झूठा साबित होता है, क्योंकि जो उनका साफ कहना है कि कुछ सालों पहले उनसे कागज मांगा गया और साइन कराया गया, क्योंकि कोई एम्बुलेंस बिना अस्पताल के नाम के रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती है। तो ऐसे में उसके पीछे जो कानून बनाया गया उसका मकसद यही है कि अगर मुख्तार अंसारी को जनसेवा करना था तो वो एम्बुलेंस जिस अस्पताल के नाम ली जाती है उसी अस्पताल द्वारा यूज की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे में ये कह देना कि हमारे नाम पर एम्बुलेंस तो खरीदी गई, उसके बाद उसका क्या उपयोग हुआ ये हमें जानकारी नहीं है, इसके लिए कहीं ना कहीं वो अस्पताल प्रशासन जिम्मेदार होता है जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन होता है। और यही कारण है कि भले ही अगर आप देखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन में जो एड्रेस है उसका एक साजिश के तहत जो गलत एड्रेस डाला गया है जिसमें बाराबंकी दिखाया गया है लेकिन अस्पताल मऊ में है, तो प्रथम दृष्टया ये साबित होता है कि मऊ के अस्पताल जो अलका राय का अस्पताल है इसके नाम पर जो एम्बुलेंस खरीदी गई उसका आज से नहीं बल्कि एक लंबे समय से मुख्तार अंसारी द्वारा अपने यूज में प्रयोग किया जा रहा था, उसे किस तरह से प्रयोग किया जा रहा था ये जग जाहिर है। आपने जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे मोहाली से कि जिस तरह से जेल प्रशासन, रोपड़ जेल प्रशासन को ये पता ही नहीं है कि जो एम्बुलेंस है वो स्थानीय अस्पताल की है या फिर मुख्तार अंसारी की है, वो किसी भी एम्बुलेंस से किसी मुलजिम को, किसी आरोपी को वो यूज कर रहे हैं और उनको इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसा मामला होता है किसी कैदी को अगर कोर्ट में पेश किया जाता है और उसकी तबीयत
तबीयत खराब है तो स्थानीय जिला प्रशासन से एम्बुलेंस मांगी जाती है, न कि निजी अस्पताल से मंगाई जाती है या निजी व्यक्ति की एम्बुलेंस यूज की जाती है। तो इससे ये जाहिर होता है कि किस तरह से मुख्तार अंसारी, जिसका उत्तर प्रदेश में हत्या अपहरण व जैसे 45 जघन्य अपराधों में संगीन मामलों में मुकदमा दर्ज है, उसका किस तरह से मऊ और आसपास के क्षेत्र में खौफ था, जिसका खुद अलका राय स्वीकार कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर आप होते तो क्या मुख्तार अंसारी को न कह पाते। इससे साबित होता है कि मुख्तार अंसारी का ये जो खौफ है, जो राजनीतिक पहुंच है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पंजाब में भी सामने आनी बाकी है। राजीव, बहुत सी बातें सामने आनी बाकी है। बहुत शुक्रिया आपका भी मनोज, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी तक पहुंचाने के लिए। मुख्तार की एम्बुलेंस मिस्ट्री को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, वो भी हम बता दें दर्शकों को। अलका राय ने मुख्य सचिव से बातचीत की है, एम्बुलेंस मामले की जांच की मांग की है। अलका राय का पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप भी सामने आया है। मुख्तार को बचा रही है पंजाब सरकार, ये कहा है कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने। उन्होंने इसके लिए बाकायदा मुख्य सचिव से बात भी की है और कहा है कि इस पूरे मामले की जाँच करवाई जाए कि मुख्तार को कौन बचा रहा है, मुख्तार को एम्बुलेंस किसने मुहैया करवाई। और इस बीच उन्होंने पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार मुख्तार को बचा रही है। और बाराबंकी से हमारे सहयोगी अनिरुद्ध इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अनिरुद्ध, बाराबंकी से क्या जानकारी सामने आ पा रही है? दो बड़ी बातें अब तक सामने आई हैं, एक तो ये कि डॉक्टर अलका राय के नाम पर रजिस्टर्ड है एम्बुलेंस उनके हॉस्पिटल के नाम पर, और दूसरी बात ये कि 2015 में इसका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो चुका है। अनिरुद्ध, आवाज मिल पा रही है आपको? क्या जानकारी है आपके पास एम्बुलेंस के बारे में? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा उनसे, लेकिन बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। इसी बीच कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए कि आखिर मुख्तार को एम्बुलेंस किसने मुहैया करवाई, कौन है वो लोग जो मुख्तार की मदद कर रहे हैं। और सीधे तौर पर उन्होंने पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि पंजाब सरकार मुख्तार अंसारी को बचा रही है। बाराबंकी से अनिरुद्ध से हमारा संपर्क हो गया, हम एक बार फिर से चलते हैं उनके पास। अनिरुद्ध, क्या जानकारी आपके पास एम्बुलेंस के बारे में? देखिए, हमें अभी तक की जानकारी ये जो एम्बुलेंस खरीदी गई थी वो 21 दिसंबर 2013 को खरीदी गई थी और इसका जो फिटनेस था वो 2017 में समाप्त हो गया था, माफ करिएगा। इसके बाद अभी की अगर बात करी जाए तो इस एम्बुलेंस को जो आरटीओ विभाग है, आरटीओ की तरफ से जो 2020 में नोटिस दी गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीच में जो जितने भी यहाँ के सरकारी जो लोग थे या जो सिंडिकेट था वो क्या कर रहा था, जिस तरीके से अभी अलका राय ने खुद भी कहा कि क्या मुख्तार अंसारी को किसी गाड़ी के देने के लिए क्या मना किया जा सकता है, तो इससे साफ पता चलता है कि वो मुख्तार अंसारी का सिंडिकेट कितना बड़ा है और कितना प्रभावी है कि मऊ से बैठ करके बाराबंकी से ये गाड़ी ले ली जा रही है। किन लोगों के द्वारा ये गाड़ी ली गई थी, जिस जगह से ये गाड़ी ली गई थी, उन लोग ने किन कागजों के बिहाफ पे, किस आधार पे उन्होंने ये गाड़ी जो थी ये प्रोवाइड करा दी। आपको ये भी बताते कि इस गाड़ी का जो है फाइनेंस हुआ था महिंद्रा कंपनी से, ये भी जांच का विषय है कि कितने पर्याप्त दस्तावेजों के साथ ये गाड़ी प्रोवाइड कराई गई थी, जिस आरटीओ की तरफ से जो कागज प्रोवाइड किया गया है उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये गाड़ी जो है एक निजी अस्पताल, ठीक है, उस हॉस्पिटल का नाम भी सामने आ ही गया। अनिरुद्ध, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। इस बीच अलका राय ने मुख्य सचिव से बातचीत की है, एम्बुलेंस मामले की जांच की मांग की।